खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। होती है सर कि आपने जो अभी बताया कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सब लोग मेरी पिक्चर हर जगह पर चर्चा है, तो इसके लिए बहुत खुशी होती है। इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना डेडिकेशन करके इतनी अच्छी पिक्चर बनाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली अंदर रीजन। सर बहुत साल तक मैं स्टोरी सुनता रहा, स्ट्रगल करता रहा 7 साल तक, और फाइनली जब मैं जयतिता सर को मिला, हमारा डायरेक्टर, तो उन्होंने जब ये प्लॉट बोला, आई वाज कम्प्लीटली ट्रिगर्ड। मतलब वो जो एक कंटेंट था, जब आप पिक्चर देखेंगे, वो एक 20 मिनट है सर, क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स तक, वो मुझे बहुत ट्रिगर्ड हुआ कि एकदम इंस्पायर हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वाज हंटिंग फॉर। So as he said, the content of the cinema, very importantly, and of course my character, I'm playing a very strong character. Her name is Dani, a very, very beautiful soul that I'm playing. I think my character is carried from the first shot of the cinema till the climax of the cinema. So I think that was the best part. And of course, as he said, the second half of the cinema is going to keep everyone on the edge of the seat. So it's something very different from the cinemas that I've done before. So I think I was also looking for something that is content oriented, and Banaras gave me that role. 85% ki film hum logon ne wahin par hi shoot ki hai, to iski wajah se hum logon ne banaya, title Banaras rakha. Of course, a very beautiful vibe. This is the first time we. Sorry. I'll continue. Yeah. So this is the first time I visited Banaras in my life, and it's a very beautiful place. As you said, the vibe there is so positive. We were there for 40 days, and I think after 40 days of shoot, we didn't want to come back from the place, because when we came back to Bangalore, it was the same old life where you have a lot of noise and all that. See, normally when we shoot in a shooting set, you have a lot of sound. But trust me, when we were shooting in Banaras, we didn't want to make that sound because it was that peaceful, and I think the vibe is very beautiful. Everyone in life should visit Banaras at least once. Of course, there is a lot. I think when we were shooting in Banaras, there is a ghat named Manikarnika Ghat where they burn dead bodies. So we used to see almost 200, 300 dead bodies every day, like minimum. I'm telling minimum. And the scene was that here is you're doing a romantic ghat scene, and here we had to do our dialogues were very peaceful dialogues, very romantic dialogues. So I think that was a challenge for us, because it isn't that easy to, you know, show up romance right there. It wasn't that easy for us. जी जी सर, एक वक्त के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी नसीब में एक्टर बनना ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो आई विल बिकम एन एक्टर। तो 7 साल का मेरा स्ट्रगल था। सो आई थिंक 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, कि जो मेरा डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग, वॉट एवर इट इज़, सो ये मुझे अपना करियर बनाना है इसमें करके। सो आई वेंट एंड टोल्ड टू माई डैड। सो फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो आई थिंक जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ उनके बारे में कि ही इज़ माई गॉड फादर, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास पर भेजे, आई गॉट ट्रेन देयर। सो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट, आई थिंक ही इज़ माई गॉड फादर। हुआ है, तो
जी सर, ये रिलीजियस ज़्यादा कल्चरल बहुत ये है सर, आई विल नॉट से कि ये एक रिलीजियस काइंड ऑफ अ फिल्म है, नो डेफिनेट नॉट। आपको जब ट्रेलर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिलीजियस के ऊपर होगा या हिंदू मुस्लिम के ऊपर होगा, डेफिनेटली नॉट, बहुत कल्चरल है सर। सो आप जब देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा सर। जी 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 सर, बहुत अच्छे फिल्म्स आ रही हैं सर कन्नड़ इंडस्ट्री से, एंड इट इज़ अ वेरी प्राइड फॉर एवरी कन्नड़ी का एंड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ऑल्सो। सो हमारी पिक्चर भी कन्नड़ इंडस्ट्री से है तो अभी आज पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट वाइज, कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रांग। जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब हम लोगों ने पिक्चर स्टार्ट किया, वी नेवर थॉट कि हम लोग पैन इंडिया करेंगे, बट पिक्चर कम्प्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने एक 300-400 शोज ऑर्गेनाइज़ किए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स, जैसे एक्टर्स, कोई भी एक एक्टर या सीरियल आर्टिस्ट या जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों को मैं आई इन्वाइटेड देम टू बैंगलोर। सो बॉलीवुड से, तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से, अपने मलयालम इंडस्ट्री से, उन सब लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई। सो दे आर द वन हु गेव मी दैट स्ट्रेंथ कि योर कंटेंट इज़ वेरी गुड, यू हैव रूल्ड द कैरेक्टर एंड द मेकिंग इज एक्सीलेंट, अमेजिंग। So I think you have to do it in Pan India करके। So that is where I got that strength and I think that is the one reason my producer changed his mind to do it in Pan India। What is it? अंदर कन्नड़ इंडस्ट्री ಅದಕ್ಕೆಂತ ಅಂತ KGF 100% I think KGF is something that changed the complete outlook of the Kannada film industry, because I remember I was in Warsaw for 1 year, like long back when I was doing ads, but that time when I used to tell I am from the South film industry, they were like, okay, you're from South film industry. But today when I come here and say that I'm from the South film industry, the first thing that comes in their mind is KGF and Pushpa. So I think we are very proud, of course, and it has also helped us, and KGF is actually made a path for us. So it's created a path for all the other cinemas that want to release Pan India. It's given us that strength and confidence, I think. And even the biggest stars like Salman Khan are part of the South industry. ये कितने positive stars हैं कि पहले बड़े stars South industry में ऐसा नहीं होते थे, आज हैं, और उनका मानना है कि आगे चलकर इस industry में कम से कम 1,000-4,000 crores करने से 100% looking, hope so, you know, I hope this happens. As of now, we are into 100-150 crores, I think. Let's see, hoping one day we would reach there. How many romantic songs are there in the movie? Sir, 2 gaane hain romantic film ke, ek gaana to already release ho gaya hai, Maya Gange. So that is a hero point of view ka gaana rahega. Ek romantic gaana hai, shayad aapko trailer mein thoda bahut hum logon ne ये एक रिलीज़ किया है हम लोगों ने। सो आई थिंक थोड़े दिन में हम लोग वो भी रिलीज़ करेंगे, तो आई थिंक यू विल एंजॉय दैट। सर सबसे पहले एक हमारे कन्नड़ इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर हैं जाने माने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डायरेक्टर हैं, नाम है जयतीर्था करके, यू मीट हिम, आई थिंक तेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी मिल जाएगी करके। तो बेल बॉटम का रिलीज़ दिन था, तो उस दिन मैं अपने हमारे डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। सो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट सर ऑल्सो वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो उनको एक डर था कि मेरा ईगो, मेरे टैंट्रम्स थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेंगे करके। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू मोर, योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक किस चीज़ से तू मतलब यू गेट हैप्पी फॉर और यू गेट सैड फॉर, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड माई एवरी थिंग। सो हम लोगों ने 3 महीने हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की, आई थिंक दैट इज़ वेर ही अंडरस्टूड मी एंड गिव मी दैट गुड फिल्म। सर आई थिंक अगर कोई भी एक एक्टर अगर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन, आई पर्सनली फील, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं होते बैकग्राउंड नहीं होने से, उसके कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसके कुछ बैकड्रॉप्स हैं, बट अगर एक बैकड्रॉप है, अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई एक लड़का आ रहा है या फिर कोई एक फिल्म स्टार का बेटा अगर लॉन्च हो, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। अभी एग्जांपल में अगर मुझे 2 तरीके से बताना पड़ेगा, इफ़ आई एम अ न्यू कमर, सो अगर एक न्यू कमर की पिक्चर रिलीज होती है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है, सो आप थिएटर पर जाते हो तो विल नॉट गिव एनी एक्सपेक्टेशंस। सो आप जाके पिक्चर देखते हो, द पिक्चर इज़ गुड, यू विल ब्लोन अप योर, मतलब आप एकदम खुश हो जाते हो, लेकिन द वर्क इज़ वेरी गुड, द सिनेमा इज़ वेरी गुड करके। अगर वही एक
फिल्म स्टार की पिक्चर, फिल्म स्टार के बेटे की पिक्चर या फिर एक पॉलिटिशियन की बेटे की पिक्चर अगर रिलीज़ होती है तो आप एक एक्सपेक्टेशन रख के चलते हो कि ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी करके। अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, आपको फिर भी कम लगेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द वन मोस्ट बैकड्रॉप फॉर द बैकग्राउंड एक्टर्स। सर बहुत बदलाव आ गया है सर, कि अभी मैं ज़्यादातर बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, बट यहीं पर भी जा रहा हूँ। सो एवरीवन अप्रिशिएटिंग माय वर्क, अप्रिशिएटिंग माय टैलेंट, एंड ट्रेलर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है वहाँ पर साउथ में। एवरीवन वेरी हैप्पी बिकॉज इस तरीके का कंटेंट हमारे कन्नड़ इंडस्ट्री में आई एम द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट, एंड ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। तो जब सर ने मुझे नरेशन दिया तो आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, कि आई टोल्ड सर कि सर ये एक ऐसी पिक्चर मैं साइन करने वाला हूँ, हम लोग करने वाले हैं, ये पिक्चर मुझे सुपरस्टार बनाएगी या फिर तो मेरा करियर ख़त्म है, दिस विल बी वेरी क्लियर फॉर मी। जोड़ी अच्छी है और अपार्ट फ्रॉम साउथ जी, बाकी पार्ट्स ऑफ मीडिया में रिस्पांस कैसा? सर बहुत अच्छा रिस्पांस है सर, आई थिंक तेलुगु में बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, बिकॉज तेलुगु में दे लाइक वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़, एंड मलयालम में भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है बिकॉज फॉर द कंटेंट, एंड तमिल में बिकॉज ऑफ द मेकिंग दे आर अप्रिशिएटिंग। आई थिंक एवरीवन आई एम वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। जी बट जी सर, हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग 80-85% हमारी पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में शूट करेंगे। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग में ये प्लान था कि हम लोग एक 15-20 मिनट तक हम लोग बनारस एक्सप्लोर करेंगे करके। सो मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन, हम तीन लोग बनारस पहुँचे रिकी करने के लिए, लोकेशंस हंट करने के लिए परमिशन चाहिए थी बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ, हमको पता नहीं है कि वहाँ का काम कैसे होता है, वहाँ पर जूनियर्स मिलते हैं कि नहीं, मतलब एवरीथिंग पोस्ट प्रोडक्शन के तरीके से। सो हम लोग वहाँ पर गए। सो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो एक एटमोसफियर था, वहाँ का जो एक वाइब्स था, वहाँ का जो एक कल्चर था, मैं और हमारे डायरेक्टर हम लोग सब एकदम फ्लैट हो गए। वी सेड लाइक, हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि लेट्स नॉट गो बैक टू बैंगलोर, पूरी पिक्चर हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, प्री क्लाइमैक्स एंड पोस्ट क्लाइमैक्स। एंटायर फिल्म हम लोगों ने 80-85% हम लोगों ने बनारस में शूट किए, एंड वी आर द लास्ट पीपल टू एक्चुअली शूट द एंशियंट बनारस बिकॉज आफ्टर दैट दे हैव काइंड ऑफ रिनोवेटेड द प्लेस एंड इट्स गॉट पेंटेड, बट दैट यू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ बनारस, वी आर द लास्ट पीपल हू हैव कैप्चर्ड इट। So that is something that I had asked my director when I actually signed the film, because I myself did not know the genre of the film. It's got suspense, it's got thriller, it's got love, it's got comedy, it's got everything. So I think it's a package. It's a complete package, sir. What the new thing would be that audience will get to see? वही मैं अभी disclose नहीं कर सकता सर। अभी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा, main experiment which I triggered for to do this film was the पोस्ट एक इंटरवल के बाद जो एक पोर्शन है, आई थिंक यू विल एंजॉय द मोस्ट। आई थिंक दैट्स समथिंग वी कांट टेल नाउ, इफ वी प्रोबब्ली टेल यू विल गेट टू नो व्हाट द कंटेंट इज अबाउट। एक दूसरे के लिए देखोगे आप दोनों? जी बिल्कुल। उसका कुछ है कुछ अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ सर, अभी थोड़े दिन में आगे आगे आपको पता चल जाएगा। Right, so that is because when I think I had asked the same question to my director, and he said when he first entered the Ghats, the first thing that he saw was colorful kites. So that is why he wanted to actually put in the poster. Yeah, because I think every day in the evening, if you see kids flying kites, flying the kites, and it's beautiful. So that is the reason to get that authenticity, they've put it in the poster. जी जी सर, नॉट द बनारस हाँ 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 अदे OTTL रिलीज ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಹುಶಃ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, OTTL ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್? जब हम लोग पिक्चर बनाई तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि थिएटर में रिलीज़ होना चाहिए करके, एंड बहुत सारे ऑफर्स आए मुझे फ्रॉम मेनी ऑफ़ द प्लेटफॉर्म्स कि आप डायरेक्ट रिलीज़ कीजिएगा इन OTT करके, बट आई सेड नो बिकॉज अगर आपको सुपरस्टार बनना है, हीरो बनता है थिएटर में सर, OTT में नहीं बनता। सो दैट इज़ ही वॉज वेरी क्लियर, आई थिंक इन बिटवीन ड्यूरिंग द पैंडमिक
there were people who came and asked us for the OTT release. But then he was very clear saying that no, let it go for next 2 years, I don't mind. But I wanted to be on theatres. No. Which one? 2019 December में हम लोगों ने हमारा first schedule start किया. We had started the schedule. 28th में after March के बाद lockdown हो गया था. So lockdown के दौरान जो जी. Yes, we had to wait and then just the romantic song was shot after pandemic. The pandemic. Sir, it's just a 1 month revision, right? जी. जी सर हम लोग आई थिंक विल विजिट एवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थ चाहिए आप बॉम्बे पुणे लखनऊ अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ आई थिंक विल विजिट एवरीवेयर सो बिकॉज वी हैव टू विजिट इट इज़ आर ड्यूटी बिकॉज हम लोग अभी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है सो वी हैव टू सेल आर प्रोडक्ट सो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्म आ रही है फॉर व्हाट दे हैव टू वॉच फॉर सो आई थिंक विल गो एवरीवेयर सर Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.